हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टुडे। और आज का जो हमारा वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू का डे 5 है। आई होप आपने 4 दिनों में जितने भी हमने वर्ड्स सीखे हैं आपने उसको रिवाइज किया होगा। अपने डाउट्स मुझे बहुत सारे लोगों ने डाउट्स भेजे हैं और मैं वेट करती हूँ कि आप लोग अपने वर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए मुझे मेल्स करें। तो आज के हमारे जो वर्ड्स हैं वो द हिंदू से डिपिक्टेड हैं, जो मैंने ऑनलाइन द हिंदू जो आती है उससे डिपिक्ट किए हैं। तो इसमें एक या दो मैंने वो फ्रेजल वर्ब्स डाले हैं जिसका मीनिंग मुझे लगता है कि आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट जो हमारा है वो एक फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ, जिसका मतलब है कि कैंसिल करना या फिर ड्रॉप ऑफ करना, राइट। तो कॉल ऑफ का मतलब बेसिकली क्या है कि आपने कोई प्लान बनाया और आपने उसे रोक दिया या कैंसिल कर दिया, तो ये कॉल ऑफ। जैसे कि शी हैज कॉल्ड ऑफ हर मैरिज, कि उसने जो शादी है उसको रोक दिया है या कैंसिल कर दिया है। शी हैज कॉल्ड ऑफ हर प्लान टू गो ऑन अ ट्रिप। तो याद रखना है कि अगर किसी भी जगह पर कॉल ऑफ साथ में आया है तो आपने क्या करना है, उसका मतलब है कि वो चीज़ कैंसिल या रोक दी गई है, चाहे वो गवर्नमेंट पार्टी हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कोई प्लान हो या फिर कोई भी पर्सनल चीज़ हो। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन एक नाउन है जिसका मतलब है कि नए सिरे से बनाना। आपको पता है कि आर ई लगा हुआ है तो आर ई का मतलब है वापस, क्लियर। एक रूट वर्ड इसका है आर ई। अब यहाँ पर सेकंड वर्ड है स्टोर। स्टोर मतलब जमा करना, तो वापस से जमा करने का मतलब है कि आपके से चीज़ जो टूट गई है या ख़राब हो चुकी है उसको रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि उसको नए तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, रिवैम्प, रिफर्बिश, रीबिल्ड, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स में क्या आएगा, अगर हमने वापस बनाया है तो इसके बनाने का उल्टा क्या होता है, अबॉलिश, डिस्ट्रक्ट, और डिस्ट्रॉय, क्लियर। तो ये जो नाउन फॉर्म था हमारे पास क्या था, रेस्टोरेशन। इसका वर्ब फॉर्म है रिस्टोर एंड इसका एडजेक्टिव है हमारे पास रेस्टोरेटिव। अब हम इसको सेंटेंसेस में यूज करके इसके कंटेक्स्ट को क्लियर करेंगे। पहला है रेस्टोरेशन, द कंपनी इज गोइंग थ्रू द रेस्टोरेशन फेज टू बिल्ड द रेप्यूटेशन, कि कंपनी जो है वो अपनी रेप्यूटेशन को बनाने के लिए एक रेस्टोरेशन पीरियड के अंडरगोइंग है, कि उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं ताकि उसकी रेप्यूटेशन अच्छी हो सके। सेकंड है एमडी ऑफ द कंपनी हैज टेकन सम रेस्टोरेटिव measures to build the reputation. ठीक है, तो उसने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो कि रेस्टोरेटिव हैं कंपनी को वापस बनाने के लिए। MD is trying to restore
द कंपनीज रेपुटेशन, यहाँ पर रिस्टोर वर्ब है, रेस्टोरेटिव एडजेक्टिव है, एंड रेस्टोरेशन क्या है आपका? नाउन। क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज मैंडेट। मैंडेट काफी बच्चों को पता भी होगा कि मैंडेट का मतलब होता है एक आदेश या फिर ऐसी कोई चीज जो बहुत जरूरी है। मैंडेटरी वर्ड आपको याद होगा, तो मैंडेटरी का मतलब बहुत जरूरी और मैंडेट का मतलब एक आदेश। इसको नाउन और वर्ब दोनों की तरह ही यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो सिनोनिम्स में आएगा डायरेक्टिव, कमांड, ऑर्डर, नोटिस। और एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो एंटोनिम्स में आएगा डिनायल, क्योंकि अगर हमारे पास कोई आदेश है हम उसको नहीं मानते हैं तो वो डिनायल हो जाता है। ब्रीच, उसको तोड़ देना, या फिर अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब है कि खत्म कर देना किसी चीज को। अगर हम इसको नाउन की तरह यूज करेंगे तो किस तरह से करेंगे? अब ही ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग टू सीक मैंडेट फॉर हिज पॉलिसी। इसका मतलब है कि एक पर्सन एक मीटिंग अरेंज करे ताकि वो लोगों से अपनी पॉलिसी को मानने का सपोर्ट ले सके और उसको आदेश की तरह बना सके। द काइंड किंग, यहाँ पर हम इसको वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। द काइंड किंग इज मैंडेटेड बाय गॉड, कि जो एक राजा है जो बहुत दयालु है वो भगवान का एक आदेश होता है, कि अगर उसने जो भी डिसाइड कर दिया वो भगवान का ही आदेश है। जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है असर्टेन। असर्टेन जो है वो सर्टेन वर्ड से आया है, और असर्टेन जो है वो एक वर्ब फॉर्म है, ठीक है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को पक्का करना या फिर सुनिश्चित करना। क्लियर? इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? वेरीफाई, कंफर्म, इंक्वायर। इंक्वायर करने के बाद जो चीज़ होती है वो पक्की जाती है, इसलिए हमने इसको इंक्वायर की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर ट्रेस करना, ट्रेस का मतलब है किसी चीज़ की जांच करना या पता लगाना, इसलिए ट्रेस भी इसका एक सिनोनिम है। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो ओवरलुक, मतलब कि हमने उसको ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, तो इग्नोर भी इसका एक सिनोनिम है। कंसील, छुपा दिया, या मिसप्लेस, ध्यान नहीं दिया तो वो चीज़ें गुम हो जाती हैं, इसलिए इसका एंटोनिम मिसप्लेस भी है। अब जो असर्टेन है वो एक वर्ब है जिसका नाउन फॉर्म है सर्टेनिटी, एडजेक्टिव फॉर्म है सर्टेन। सर्टेन मीन्स पक्का, यहाँ पे कोई चीज़ का पक्का होना वो सर्टेनिटी होता है, और एडवर्ब फॉर्म है सर्टेनली। हम चारों को एक सेंटेंस में यूज करेंगे। ही शोज सर्टेनिटी अबाउट हिज डिसीजन, मतलब कि उसको अपने जो भी उसने निर्णय लिए हैं लाइफ में उसको लेकर वो एक पक्का है, उसको कोई भी चेंज नहीं करना है। ही विल सर्टेनली, यहाँ पे हम एडवर्ब की तरह से यूज कर रहे हैं, फॉलो द
गाइडलाइंस, कि जो भी आपका गाइडलाइंस दी गई हैं आप उसे पक्के तौर पे फॉलो करेंगे. ही इज सर्टेन टू फॉलो द गाइडलाइंस एंड ही असर्टेन द मेजर्स ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन, कि उसने गरीबी को ख़त्म करने के लिए जो भी कदम उठाए गए थे उनको सुनिश्चित किया. क्लियर है? यहाँ पर सर्टेनिटी का मतलब है नाउन, सर्टेनली का एडवर्ब, सर्टेन का एडजेक्टिव एंड असर्टेन का वर्ब. नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्विक्ट. कॉन्विक्ट जो एक दोषी होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं. तो दोषी होना या दोषी ठहराना, इसको हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, वर्ब भी और नाउन भी. इसके सिनोनिम्स क्या हैं? प्रिजनर, अगर हम इसको एक दोषी की तरह यूज़ कर रहे हैं तो प्रिजनर आएगा. इनमेट, जो लोग जेल में रहते हैं उनको इनमेट्स बोलते हैं. ऑफेंडर, जिसने कोई रूल तोड़ा हो उसको ऑफेंडर बोलेंगे. ठीक है, अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इनोसेंट, ठीक है, कि उसने कोई भी गलती नहीं की है. अब हमने इसको वर्ब की तरह यूज़ करना है तो कैसे करेंगे? ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ. अब याद रखिएगा कि कन्विक्टेड को एज अ वर्ब यूज़ किया तो आपने ऑफ का प्रेपोजिशन यूज़ करना है. कन्विक्टेड ऑफ असोल्टिंग हिज वाइफ. असोल्टिंग का मतलब कि मारपीट करना या परेशान करना, तो वो असोल्टिंग हो जाएगा. और नाउन की तरह अगर हमने यूज़ करना है, द टू एस्केप्ड कन्विक्ट्स वर अरेस्टेड लास्ट नाइट. अब जो बात यहाँ पर ध्यान देने वाली एक और है कि एस्केप्ड लगा हुआ है. एस्केप एक वर्ब है तो इसका ईडी लगाएंगे तो वो भी वर्ब रहेगा, लेकिन एस्केप्ड यहाँ पर एक नाउन के आगे लगा है तो ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है. ठीक है, तो आप एस्केप को एडजेक्टिव की तरह यूज़ करने के लिए एस्केप्ड यूज़ कर सकते हैं एज अ एडजेक्टिव बिफोर नाउन. नेक्स्ट वर्ड है इनकम्बेंट, जो एक नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है और जिसका मतलब होता है ज़रूरी, नेसेसरी या मैंडेटरी को भी अगर एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं. और एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो उसका मतलब है कि कोई पदाधिकारी जिसको कोई पोस्ट अलॉट की गई है, तो वो ऑफिसर को भी हम इनकम्बेंट ऑफिसर बोल सकते हैं जिसको एक पोस्ट मिल चुकी है. तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ऑफिसर, असेंशियल, अगर ज़रूरी की तरह यूज़ करना है तो असेंशियल इसका सिनोनिम है. ऑब्लिगेटरी एंड नेसेसरी. ठीक है, और अगर एंटोनिम्स की बात करें तो क्या आएगा? ऑप्शनल, नॉन कंपल्सरी, कि ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी उसका सिनोनिम है. ठीक है, और डिस्क्रिशनरी. क्लियर? तो हमने इसको अब यूज़ करना है एज अ नाउन एंड एज अ एडजेक्टिव. तो नाउन की तरह यूज करने के लिए द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी हैज रिजाइंड. ठीक है, तो ऐसा नाउन यूज किया है. नहीं, यहां पर ये एक
एडजेक्टिव है क्योंकि हमने इसको एक नाउन से पहले यूज़ किया है. अब एज अ नाउन यूज करने के लिए द कंपनी रियलाइज्ड दैट स्किल्ड स्टाफ इज इनकम्बेंट फॉर ग्रोथ. कि एक अच्छा स्टाफ होना कंपनी की ग्रोथ के लिए मैंडेटरी या फिर ज़रूरी है. नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लैंडेस्टिन. क्लैंडेस्टिन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है गुप्त, छुपा हुआ. ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या होंगे? सीक्रेटिव, अल्टीरियर, कॉन्फिडेंशियल या फिर अनलॉफुल. अनलॉफुल कि जो चीज़ कानूनी तौर पर सही नहीं है. और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो सीक्रेट का और सीक्रेटिव का क्या होगा? ओपन, ब्रॉड, एंड लीगल. नाउन फॉर्म की बात करें इसके तो नाउन होगा क्लैंडेस्टिनिटी. ठीक है, तो हमने सिर्फ एक एडजेक्टिव और नाउन फॉर्म इसका मिल पाया मुझे, जो मैं यहाँ पर अब इसको एग्जांपल्स की तरह यूज करूँगी. ड्यूरिंग वॉर पीपल यूज टू लिव इन क्लैंडेस्टिनिटी. कि वो छुप के रहते थे. देयर इज समथिंग क्लैंडेस्टिन अबाउट दिस हाउस. मतलब कि इस घर में कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है या फिर जिसके बारे में पता नहीं है किसी को. नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अनसब्सटेंशिएटेड. और ये एक एडजेक्टिव है, चाहे इसके एंड में ईडी लगा है, लेकिन एज अ एडजेक्टिव आज के पेपर में इसको यूज़ किया गया था. और इसका एक और वर्ड है अनसब्सटेंशियल. सब्सटेंशियल होता है कि जिसका कोई प्रूफ हो, ठीक है, जिसको आप टच कर सकें, जिसके होने का कोई वजूद होता है, वो सब्सटेंशियल होता है. और अनसब्सटेंशियल जिसका कोई प्रूफ नहीं है, साइंटिफिकली वो प्रूवन नहीं है, फिजिकली वो प्रूवन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? अनसब्सटेंशिएटेड या फिर अनसब्सटेंशियल. अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो पहला क्या होगा? अनकन्फर्म्ड. जो चीज़ कन्फर्म्ड नहीं है, अनप्रूवन या फिर अनवेरीफाइड. जिसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है वो अनसब्सटेंशियल या फिर अनसब्सटेंशिएटेड हो सकती है. और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो कन्फर्म्ड, सब्सटेंशिएटेड एंड प्रूव्ड. वेरीफाइड भी हो सकता है, सपोर्टेड भी हो सकता है, और अनडिनाइएबल जिसको नकारा नहीं जा सकता. जो चीज़ आपने देखी नहीं, जो चीज़ दिखती नहीं है, उसको तो आप डिनाई कर सकते हो, लेकिन जो सब्सटेंशियल है उसको अनडिनाइएबल है वो. ठीक है, तो हमने इसको एज अ सेंटेंस यूज़ करना है. अगर पहले हम अनसब्सटेंशियल को करेंगे, द सस्पेक्ट declared all allegations आपको याद होगा कि दोष को बोलते हैं जो अभी तक प्रूव नहीं है, substantial.
ठीक है, तो उसको लगता है कि जो भी उस पर दोष लगाए जा रहे हैं वो अनसब्सटेंशियल हैं। सेकंड है कि द अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय कोर्ट, कि कोर्ट जो है वो कोई भी अनसब्सटेंशिएटेड या फिर जो प्रूव नहीं है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसडेनफुल। डिसडेनफुल, DIS लगा है, ऑब्वियसली एक नेगेटिव वर्ड होने वाला है, और डिसडेनफुल का मतलब है जो इंसान किसी का सम्मान नहीं करता, बात नहीं सुनता, या फिर जिसको दूसरों को लेके थोड़ी सी नफरत रहती है, हेटेड होती है जिसके मन में, वो डिसडेनफुल होता है। एक एडजेक्टिव है ये, जिसका मतलब है अवज्ञा करने वाला या अपमान करने वाला। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्कॉर्नफुल, एरोगेंट, जो इंसान घमंडी होता है वो दूसरों का सम्मान नहीं करता। डेरिसिव, डेरिसिव और एरोगेंट एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। एंड कॉन्टेम्पचुअस, आपको याद होगा कि हमने ये वर्ड किया था, तो कॉन्टेम्पचुअस इसका एक सिनोनिम है। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? रिस्पेक्टफुल, एडमायरिंग एंड अप्रूविंग। क्लियर? और इसका जो नाउन फॉर्म है वो है डिसडेन। डिसडेन मतलब किसी का अपमान करना। ठीक है, अगर आप इसको एडवर्ब की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप डिसडेनफुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ वर्ड डिक्शनरी में अभी तक अप्रूव नहीं है, लेकिन आप इसको डिसडेनफुल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको एग्जांपल्स की तरह यूज़ करके देखें। पहला है द विमेन लुक्ड एट द मैन, लुक्ड एट द मैन डिसडेनफुली, कि उसने उसको घृणा या अपमान करने वाली नज़र से देखा, क्योंकि उसको शायद वो इंसान पसंद नहीं है। शी हैज़ अ डिसडेनफुल बिहेवियर फॉर मेल अब्यूज़र, कि जो लोग गाली गलौज करते हैं उसके दिल में उन लोगों के लिए कोई भी सम्मान नहीं है। अगर आप डिसडेनफुली को लुक्ड के बाद भी यूज करेंगे तो भी सेंटेंस करेक्ट है। ही लुक्ड एट द विमेन विथ डिसडेन, कि उसने उसको एक अपमान वाली नजर से देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है, ये हम पहले कर चुके हैं, गेस्टली। गेस्टली मुझे लगा कि शायद मैं आपको बता दूं, घोस्टली से आपको याद रहेगा, इसका मतलब है डरावना। ठीक है, तो गेसले का मतलब ये एक एडजेक्टिव है, जिसके सिनोनिम्स हैं फ्राइटफुल, टेरिबल एंड ऑफुल। ठीक है, तो अगर हम इसको एक सेंटेंस में यूज करें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट घेस्टली क्राइम एवर कमिटेड,
कि सबसे खतरनाक या डरावना क्राइम है जो अभी तक हुए हैं। तो आज हमने ऑलमोस्ट 10 वर्ड्स किए हैं और आई होप कि आप इसको प्लीज़ रिवाइज करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे मेल करेंगे। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। लाइक एंड शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को ताकि हमें थोड़ा सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जैसे ही वो अपलोड होती है मिलता रहे। और तीसरी चीज़ है कि आपको GK डाइजेस्ट ज़रूर इंस्टॉल करनी है जहाँ पे हम नया कंटेंट, नई वीडियोस और स्टडी मटेरियल अपलोड करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। कुछ भी अगर आपको क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। और बाकी की वीडियोस के लिए कल मिलते हैं। थैंक यू।